जलंधर राक्षस, उसकी परिणीता परम सती, भगवान शंकर उसे जीत नहीं पाते थे। सती के सतीत्व बल के कारण भगवान नारायण ने उसका सतीत्व भंग करके, शील भंग करके शक्ति से छीन किया, तब शंकर भगवान जालंधर को मार पाए। और उसे जब पता लगा कि जगत पति ने मेरे साथ छल किया है, जगत का पति बनकर श्राप दे दिया, पत्थर हो जाओ, भगवान शालिग्राम शिला के रूप में आज तक प्रकट है। और वृंदा से कहा कि तुम तुलसी जी बनी वृंदा, पति तुलसी दल आज भी भगवान के सिर पर, और कैसा अद्भुत आदर्श है, जिसका शील भंग किया भगवान ने उसको सिरोधार्य किया, यह भगवान नारायण की विशेषता है। इस कारण भी भगवान का अवतार हुआ। कई कारण गिनाए और अभी आप सुन रहे थे हमारे परम अंतरंग आत्मीय स्नेही आदरणीय श्री बालकृष्ण जी से कि श्रीमद् भगवद गीता का सरल अनुवाद रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का सरल अनुवाद श्री रामचरितमानस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा कि वे सच्चिदानंद हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेश, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु कौन है? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान। तो शंभु विरल जी विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश तेना, ये विश्वोत्पत्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं का हुई व्यापा, श्री कृष्णाय वयम नुमः तरैन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि।